केपटाउन टेस्ट हारने के साथ ही टीम इंडिया का बरसों पुराना दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना एक सपना ही रह गया। शुरुआत इस दौरे की बहुत शानदार हुई थी। आपने सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता था, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से हिंदुस्तान ज़रूर पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतेगा। लेकिन दूसरा टेस्ट जोहानसबर्ग में हारने के बाद और तीसरा टेस्ट केपटाउन में हारने के बाद हिंदुस्तान की टीम ने ये सीरीज 2-1 से गवा दी। दक्षिण अफ्रीका की जो अब तक की सबसे कमज़ोर टीम मानी जा रही थी, उसने भी टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में मात दे दी। और अब दक्षिण अफ्रीका में हम टेस्ट सीरीज कब जीतेंगे ये तो अब आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सीरीज खत्म होने के बाद से काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस सीरीज के बाद हमने क्या सबक लिए, क्या वो बदलाव हैं जिसे करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से 5 एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पूरी सीरीज को समअप करते हैं कि 5 टीम इंडिया की जो कमज़ोरियाँ, उसके बारे में मैं आज आप सभी से बात करना चाहूँगा। सबसे पहली कमज़ोरी जो इस सीरीज़ की नहीं पिछले 2 साल की थी, और वो कमज़ोरी थी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, आपके 2 टेस्ट के सबसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, वो बल्लेबाज जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं और उन्होंने पिछले 2 साल से रन नहीं बनाए थे। इस सीरीज़ में भी वही हुआ, इस सीरीज़ में भी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने रन नहीं बनाए। और अब वक्त आ चुका है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे से आगे सोचने का। ऐसा ना हो कि श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होनी है, आप उसमें इन दोनों को खिलाएं, हिंदुस्तान में ये दोनों रन बनाएं और फिर आप इनको आगे भी मौका देते रहें। ऐसा होना बिल्कुल ही गलत है। श्रेयस अय्यर, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हिंदुस्तान में शतक बनाया था, उस शतक मारने के बाद से अब तक वो दूसरे टेस्ट मैच का इंतज़ार कर रहे हैं, जो इंतज़ार ही बनकर रह गया है। तो पुजारा रहाणे एक चैप्टर फ़िलहाल के लिए क्लोज होता है, ये जा सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर उसके बाद इन्होंने अच्छा किया तो फिर ज़रूर इनकी वापसी हो सकती है। दूसरा टेक अवे इस सीरीज़ से क्या रहा, ओपनर्स, एक ओपनिंग जो आपकी जोड़ी है उसका रन बनाना, कंसिस्टेंटली रन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा कि पहले टेस्ट मैच जो हिंदुस्तान ने सेंचुरियन में जीता, उसमें केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के बीच 100 से ज़्यादा रनों की साझेदारी पहली पारी में हुई थी। उसी की बदौलत आपने उस टेस्ट मैच में एक अपर हैंड बनाया और आगे जाके उसको जीता। लेकिन वो कंसिस्टेंसी आपको अपने ओपनर्स में लानी होगी। शायद इस मामले में पहले टेस्ट मैच में कमाल करने के बाद मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने अगले दोनों टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल किया। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर आपके ओपनर्स कंसिस्टेंटली रन नहीं बनाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। हालांकि इस सीरीज़ के लिए तो रोहित शर्मा इंजर्ड थे, अब अगली सीरीज़ में रोहित शर्मा आएंगे तो आपको एक बार फिर रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर नज़र आएगी। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि केएल राहुल, जिन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया गया टेस्ट टीम का, ओडीआई टीम के वो कप्तान भी हैं, उन्हें भी थोड़ी कंसिस्टेंटली, कि जब आपने शतक बना दिया है, उस शतक बनाने के बाद आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, आपसे उम्मीद सब करते हैं कि आप बड़ी पारी खेलेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि जो ओपनर्स थोड़े से आपके स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आए कि कंसिस्टेंटली उन्होंने भी रन नहीं बनाए। अब आगे बढ़ते हैं, कप्तान विराट कोहली का फॉर्म। देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं 2019 वर्ल्ड कप या 2019 अंत तक, उससे पहले जब विराट आते थे, आप कहीं पे भी जाएं विराट कोहली खूब रन बनाते थे। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, इंग्लैंड में भी विराट कोहली अब रन बनाना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो विराट कोहली का एक लीन फेस चल रहा है पिछले 2 सालों से, वो एक बड़ी पारी विराट कोहली के बल्ले से हमें देखने को नहीं मिली है। अगर जो तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली जो आखिरी दूसरी पारी में ऋषभ पंत के साथ थोड़ी देर और क्रीज पर टिक जाते, थोड़ी वो और बेहतर फॉर्म दिखाते, थोड़ा और लंबा खेलते, तो शायद हिंदुस्तान की टीम 300 रन का टारगेट भी सेट कर सकती थी दक्षिण अफ्रीका के आगे, जो एक बहुत बड़ा दक्षिण अफ्रीका के मेरे हिसाब से एक बड़ी परेशानी बन सकती थी। लेकिन विराट कोहली का फॉर्म, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके भी बल्ले से रन नहीं आए, तो एक ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर रहा। हालांकि अब उम्मीद यही है कि ओडीआई सीरीज़ अब जब शुरू होगी तो वहाँ विराट कोहली के बल्ले से आपको रन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब आर अश्विन, आपने उनको 3 टेस्ट मैचेस खिलाए, गेंदबाजी में उन्होंने विकेट्स नहीं लिए और साथ ही साथ बल्लेबाजी में भी आर अश्विन ने कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं किया। फिर पहले टेस्ट मैच में उन्होंने रन बनाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा अश्विन हमें स्ट्रगल करते नज़र आए। जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं अश्विन से जो रन आने चाहिए,
थोड़े बहुत जरूर आए, एक 50 भी उन्होंने बनाए, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अश्विन जैसा बल्लेबाज जिसको आप खिला रहे हैं वो थोड़ा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा और थोड़ी जिम्मेदारी लेगा। और अब एक मुद्दा जो ये उठता है कि क्या 5 बॉलर्स की थ्योरी के साथ जो आप जो लगातार जा रहे हैं, क्या वो इंडियन क्रिकेट में अब सही बैठ रही है? क्योंकि आपका जो मिडल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, ओपनर से कंसिस्टेंटली रन आ नहीं रहे, उसके बावजूद आप अश्विन भी आपकी टीम में खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर भी खेल रहे हैं, तो अब आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि क्या 5 बॉलर्स की थ्योरी आपके लिए काम कर रही है, या फिर आपको 7वें नंबर तक, या 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत आते हैं तो 7वें नंबर तक आपको एक मजबूत बल्लेबाज चाहिए, उसके बाद आप ज़रूर 4 गेंदबाज खिला सकते हैं। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडियन क्रिकेट टीम का कि 5 बॉलर्स की थ्योरी है कि हाँ जी 20 विकेट लेने हैं तो आपको 5 गेंदबाज चाहिए, लेकिन ठीक है आप 20 विकेट तभी ले पाएंगे ना जब आप सामने को एक बड़ा टारगेट सेट करेंगे जो आप लगातार अब सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान टीम इंडिया को ज़रूर सोचना होगा, काफ़ी सारे कॉज ऑफ कंसर्न्स हैं। अगर मैं कहूँ इस सीरीज़ के जो टेकअवेज थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, शमी की गेंदबाजी, शार्दुल ठाकुर ने अच्छा किया, ऋषभ पंत का शतक आया, राहुल ने एक शतक बनाया, ये सब बिट्स एंड पीसेस में आप ज़रूर इनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि इस तरीके जोहान्सबर्ग में भी आपके जो गेंदबाज थे दूसरी पारी में स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए, तीसरे टेस्ट मैच में भी आप स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में। और जो हमें लगातार देखने को अब मिल भी रही कि हाँ इशूज़ हैं, कंसर्न है, ये तो पक्का है कि अगले जो सीरीज़ होनी है उसमें बदलाव होंगे, श्रेयस अय्यर वापस आएंगे टीम में प्लेइंग 11 में, शुभमन गिल को मौका मिलेगा जो अब फिट हो चुके हैं, हनुमा विहारी की जगह एक बार फिर टीम में नज़र आएगी, सूर्य कुमार यादव भी आपको प्लेइंग 11 में नज़र आ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि रोहित शर्मा, अब जब से 2019 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा जब भी इस टीम में खेले हैं, मैं एक स्टैट चेक कर रहा था कि मतलब जब रोहित शर्मा खेलते हैं तो हिंदुस्तान की जो जीत का प्रतिशत है वो 70-80% तक पहुँच जा रहा है 2019 वर्ल्ड कप के बाद, या उससे भी ज़्यादा है। और जब रोहित शर्मा नहीं खेले तो आपका जो जीत का प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो रोहित शर्मा का ना होना भी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इस दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में एक बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर साबित हुआ। अगर रोहित ओपनर ओपनिंग कर रहे होते तो शायद आपको और बड़े स्टार्ट मिलते और बड़ी आप रन बनाते और शायद आप इस पोजीशन में नहीं होते। चलिए ठीक है, टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई, अब ODI सीरीज़ है। ODI सीरीज़ में KL राहुल कप्तान रहने वाले हैं, जिनके बारे में विराट कोहली ने कहा था कि जब दूसरे टेस्ट मैच खत्म हुआ उसके बाद तीसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि दूसरे टेस्ट में जब मैं अगर मैं कप्तान होता तो मैं कुछ अलग करता, तीसरे टेस्ट मैच में आपके पास मौका था कुछ अलग करने का, आपने नहीं किया, वो क्या अलग करते आप शायद बताते तो और बेहतर समझ आता। अब देखना है कि KL राहुल बतौर कप्तान वाइड बॉल में कितना इंप्रेस करते हैं और क्या विराट कोहली का वो जो मच अवेटेड शतक है क्या वो आखिरकार नीली जर्सी में आएगा।